Hello students, today we learn standard 4th English grammar, interjections. यह हमारा second video है. First video में भी हमने कुछ interjections के बारे में पढ़ा था. यहाँ पे कुछ और interjections के बारे में हम पढ़ेंगे. उसमें है first eureka. When we use eureka? Eureka is used when one finds something lost. किसी को का कुछ खो गया हो, कोई चीज खो गई हो और वो वापस मिल जाए तब हम ये वर्ड यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर यूरेका आई फाउंड माई बुक. नाउ सेकेंड हेलो. हेलो इज यूज फॉर एक्सप्रेसिंग ग्रीटिंग एंड एक्सप्रेसिंग सरप्राइज. अगर आपको किसी को ग्रीटिंग्स देने हैं तब आप हेलो यूज करते हो, वर्ड हेलो यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल हियर हेलो हाउ आर यू टूडे. आप किसी से पूछना चाहते हो तो आप बोलते हो हेलो हाउ आर यू टुडे. सो इस तरह से हेलो इंटरजेक्शन यूज होगा. उसके बाद है एलास. एलास इज यूज टू एक्सप्रेस अनहैप्पीनेस और सोरो. दुख है, कोई दुख की बात है या आप हैप्पी नहीं हो, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग एलास. फॉर एग्जाम्पल हियर एलास माई बैग इज मिसिंग. नाउ नंबर फोर हुर्रा और हुर्रे. हुर्रे इज यूज टू एक्सप्रेस जॉय और हैप्पीनेस. अगर हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तब हम ये हमारे मुंह से ये वर्ड निकलता है हुर्रे. फॉर एग्जाम्पल हियर हुर्रे वी हैव वॉन द मैच. नाउ नेक्स्ट ये कब यूज होगा. यूज फॉर टेलिंग समवन टू स्टॉप टॉकिंग और टू बी क्वाइट. अगर किसी को हमें चुप करवाना है या किसी को स्टॉप करना है तब हम यहाँ पे ऐसा ये वर्ड यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हियर डोंट मेक अ नॉइस. नाउ नंबर सिक्स ओ इज यूज टू एक्सप्रेस इन सरप्राइज फियर और डिसअपॉइंटमेंट. आप सरप्राइज हो या आप डिसअपॉइंट हो गए हो या फियर में हो तब आप ओ ये वर्ड यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल हियर ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू. बहुत अच्छा व्यू है तब भी हम ये बोलेंगे ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू. सो ये सारे इंटरजेक्शंस थे जो डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स हमारी जो होती है तब हम डिफरेंटली ये यूज करते हैं.